हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप यादव, आपके अपने चैनल कैरियर अड्डा 121 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग कर रहे थे एसएससी जीडी के लिए एक प्रैक्टिस सेट। डेली हम लोग मैथ का करते हैं, तो आज फिर से आपके सामने एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर हूँ। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है एक व्यक्ति 5,000 रुपये 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को कितने परसेंट पे, 6 सही 1/4% ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा? बेटा देखो यहाँ पे क्या है, यो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 5,000 है और 2 वर्ष के लिए क्या करता है, वो 2 वर्ष के लिए 4% साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को किस रेट पे दे देता है, 6 सही 1/4% वार्षिक दर से दे देता है। तो यहां से हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है। इस रेट पे ले रहा है, 4% के रेट पे ले रहा है, 6 सही 1/4% के रेट पे वो किसी दूसरे को मतलब ब्याज पे उठा देता है, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे भी रहता है, यहाँ पे भी क्या रहता है, सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पे टाइम कितना रहता है, 2, यहाँ पे भी रहता है 2 साल, यहाँ पे भी रहता है। तो हमें पता है ब्याज बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे बटे क्या होता है बेटा, 100 होता है। क्या होता है, 100। तो अब हमें क्या है? देखो यहाँ पे हमें डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से 4% और यहाँ पे 6%, 6 सही 1/4%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? अगर 6 सही 1/4% में से 4%, हमें क्या पता करना है कि मतलब उसने जिस रेट पे लिया है और उसके बाद में दूसरे को जिस रेट पे दे दिया है, उस रेट के जो परसेंटेज मतलब ओवरऑल उसे फायदा कितना हुआ, ओवरऑल फायदा कितना हुआ। तो यहां से देखो 4% पे वो लेता है और कितने पे, 6 सही 1/4% पे वो किसी दूसरे को मतलब ब्याज पे दे देता है। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारा कितना है, 5,000 है। कितना है बेटा, 5,000। अब इसके बाद में रेट का डिफरेंस कितना है, 2 सही 1/4। कितना है, 2 सही 1/4 इंटू कितना, 2 साल के लिए, बटे कितना हो जाएगा, 100। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 9 बटे कितना, 4। यहाँ पे हम दूसरी लाइन में लिख लेंगे 5,000 इंटू 4 दूनी 8 1 9, 9/4 इंटू 2 और बटे कितना हो जाएगा, बटे 100। बटे 100 यहां से 2 से 4 कट जाएगा और ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और इस 2 से कितना, 25, 25 8 225, निम्मा 225। बेटा उसको फायदा कितना होगा, फायदा हो जाएगा 225 रुपए। कितने का फायदा होगा, 225 का। कितने का बेटा, 225 का फायदा होगा। तो आंसर बेटा कौन सा रहेगा, आंसर आपका रहेगा थर्ड आंसर। थर्ड आंसर कितना है, 225 रुपीज। तो ये रहा आप लोग आपका ये आंसर कौन सा, थर्ड आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट ए अपॉन बी, यदि ए अपॉन बी बराबर 2/3 और बी अपॉन सी बराबर 4/5, तो ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी किसके बराबर होगा? क्या कह रहा है, ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी किसके बराबर होगा? तो ये आपको दे दिया रेशियो, किसका दे दिया, ए अपॉन बी का रेशियो दे दिया, ये बी अपॉन सी का रेशियो दे दिया। हमें फाइंड आउट क्या करना बेटा, ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी और बी प्लस सी हमें निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना आना चाहिए ए अनुपात बी अनुपात,
सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हम कैसे निकालेंगे? हमें कुछ नहीं, सिंपली क्या करना है, इनका डायरेक्ट क्या करेंगे, इनको हम लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ए के नीचे क्या लिखेंगे? दो लिख लेंगे। बी के नीचे क्या लिख लेंगे? तीन लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ए ए के नीचे दो और बी बी के नीचे क्या लिखेंगे? तीन लिखेंगे। अब यहाँ पे फिर से क्या हमें बी की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू बेटा कितनी रहेगी? चार रहेगी। अनुपात सी, सी की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी दी है बेटा? पांच दी हुई है। तो अनुपात कितना हो जाएगा? पांच हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पांच हो जाएगा। यहाँ पे देखो खाली जगह है, तो यहाँ पे किससे भर देंगे? तीन से भर देंगे। यहाँ पे खाली जगह है, इसको चार से भर देंगे। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चार दूनी आठ, क्या आ गया? आठ चार तीयो 12, 12 और पांच तीयो 15। तो यहाँ पे हमें ये रेशियो किसका किसका बेटा मिल गया? ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो मिल गया। अब यहाँ पे ए की जगह पे 8 रख देंगे, बी की जगह पे 12 और सी की जगह पे 15 रख देंगे। देखते हैं क्या है, ए प्लस बी प्लस ए क्या है? ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी की हमें वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 8 है, और बी की वैल्यू 12 है, और यहाँ पे बी की जगह पे 12 और यहाँ पे सी की जगह पे 15 रखेंगे। तो 12 8 कितना हो गया? 20 हो गया। 12 8 20 हो गया। और 12 और 15 कितना होता? 12 दूनी 24, 24 3 27, कितना? 27। तो बेटा आंसर हमारा क्या आ जाएगा, क्या रेशियो बनेगा? 20/27 या 20:27। तो बेटा कौन सा आंसर रहेगा हमारा? आंसर हमारा रहेगा, इसका आंसर रहेगा, फर्स्ट आंसर रहेगा। कौन सा आंसर? बिल्कुल सही जा रहे हो। क्या आंसर रहेगा बेटा? 20/27। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, थोड़ा ये टाइपिंग में क्या हुआ, सही से नहीं आया था, ब्लैक था, इस वजह से हमने इसको लिख दिया। तो यहाँ पे कह रहा है, 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से विभाज्य है। किस किस से बेटा? 12, इसको हम एक बार फिर से लिख दें, ये 12, 12, 18 और किस से? 24 से डिविजुअल है। 12, 18 और 21 से, किस से बेटा? 12, 18 और 21 से डिविजुअल है, विभाज्य है। तो वो नंबर अब यहाँ पे आंसर आपको दे दिया है, 50,321, 10,224 और 30,256 और यहाँ पे 10,080। लघुत्तम संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। एक तो यहाँ पे हम देखो, इस टाइप का जब क्वेश्चन दिया हो तो हम छोटी से छोटी संख्या ऐसा तो हो नहीं सकता है, ये 5,000 वाला और ये कितना है, वो 50,000, 30,000, ये एक तो हमारा किस किसके क्लोज होगा? ये होगा 10,000, 10,000 के क्लोज होगा। तो ये अगर देखा जाए तो ये तो ऐसे ही हम आपको क्या है, देखते ही क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये 10,000 के क्लोज होगा। 10,000 से ज्यादा लगभग कितना हो सकता है? 100-200 के आसपास हो सकता है। तो इसको हम ऐसे ही काट सकते हैं, और इसको हम कैसे अदर वे में हम कैसे भाग देके देख लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे इतना अंतर नहीं होता, कम का अंतर होता, तो हम क्या करते, यहाँ पे देखो क्या है, 3 गुणे 4 और इसको क्या हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 2 और इसको क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 3। तो इसका मतलब ये हमने फैक्टर इस वजह से कर लिए हैं कि आपको आसानी से, आपको कैसे हमें सॉल्व करना है। अगर मान लो ये भी अगर इतना दूर नहीं होते, क्लोज होते, तो हम इनको भी चेक कर लेते। तो सबसे पहले हमें किसका डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, जो वो नंबर 12, 18 और 21 से जो डिविजुअल होंगे वो किससे बेटा? 4 से भी डिविजुअल होंगे, 3 से डिविजुअल होंगे, 9 से डिविजुअल, 2 से, 7 से, 3 से, सभी से डिविजुअल होंगे। और हमें सबसे पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल किसका पता होना चाहिए? 9 का। सबसे पहले हम किसका चेक करेंगे?
डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी नंबर्स को जोड़ने के बाद में, सभी नंबर को जोड़ने के बाद में वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। किससे होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वही हमारा क्या होता है, 9 से भी अगर जो 9 से डिविजिबल होगा तो 9 से और 2 से डिविजिबल होगा तो 18 से डिविजिबल होगा, 7 से अगर 9 से डिविजिबल है तो वो कंफर्म है, 3 से भी डिविजिबल होगा। 3 अगर 9 का हमने एक बार चेक कर लिया फिर हम 3 का नहीं डिविजिबल। 3 के डिविजिबिलिटी रूल भी मैं बता दे रहा हूं आपको, सभी नंबर्स को जोड़ेंगे और सभी नंबर को जोड़ के उसके बाद 3 से भाग देके देखेंगे, अगर वो डिविजिबल है तो हमारा वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये बेटा 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9। नौ से डिविजुअल है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बेटा। आप कहेंगे कि सर क्या ये आप 9 से डिविजुअल है, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि ये 9 से डिविजुअल है क्योंकि 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 नौ किससे, 9 से डिविजुअल है, तो बिल्कुल हाँ कहेंगे 9 से डिविजुअल है। तो अब किसको देखेंगे, यहाँ पे देखें 8, 1, 9 किससे डिविजुअल है, ये भी 9 से डिविजुअल है, ये भी 9 से डिविजुअल। अब 5, 3, 8 और 2, 1 5, 3, 8, 8 और 8 और 2, 10, 1, 11 ग्यारह क्या 9 से डिविजुअल है, नहीं है बिल्कुल नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं है तो है, बिल्कुल नहीं है। 5, 2, 7, 7, 3, 10, 10, 10 और 6, 16 16 क्या 9 से डिविजुअल है, बिल्कुल नहीं डिविजुअल। तो ये वैसे भी हमने मतलब काट दिए थे, अब ये हमने 9 से भी डिविजुअलिटी रूल चेक कर लिए तो ये नहीं है डिविजुअल, तो बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे किसका डिविजुअलिटी रूल हमें पता होना चाहिए, 2 का और 4 का 4 का डिविजुअलिटी रूल क्या होता है बेटा, कल भी मैंने बताया था, कल वाले वीडियो में भी बताया, 4 का डिविजुअलिटी रूल वो होता है जो लास्ट टू डिजिट क्या हो, डिविजुअल हो। लास्ट टू डिजिट देखो यहाँ पे हम देखेंगे 24 क्या डिविजुअल है, बिल्कुल है। 80 क्या है, डिविजुअल है, बिल्कुल 80 है डिविजुअल, क्योंकि 80 में अगर 4 से भाग देंगे तो पूरा कट रहा है, 24 में 4 से भाग देंगे पूरा कट रहा है, तो ये 4 से डिविजुअल है। 3 से भी डिविजुअल है, 2 से भी डिविजुअल, 9 से भी डिविजुअल। अब हम किसको डिविजुअलिटी रूल चेक करेंगे, अब हमें चेक करना है 7 की डिविजुअलिटी रूल, किसकी बेटा, 7 की डिविजिबिलिटी रूल। तो 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, अल्टरनेट क्या करेंगे, अल्टरनेट को जोड़ लेंगे और यहाँ पे फिर अल्टरनेट को यहाँ पे भी हम जोड़ लेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या है, 7 से डिविजुअल होना चाहिए। तो यहाँ से देखो 0, 8 कितना हुआ बेटा, 8 हुआ, 0, 8, 8 हुआ और माइनस क्या करेंगे 1, 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा, तो ये बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। और 7 क्या, 7 से डिविजुअल है, बिल्कुल बिल्कुल आप कहेंगे कि हाँ 7 से डिविजुअल है। तो आंसर भी हमारा क्या होगा, आंसर बेटा डी पार्ट होगा, क्या होगा, डी पार्ट। अब यहाँ पे हम अगर चेक करते हैं ये और ये और ये, इसके बाद में ये 4, 2, 6 और 7 7 में से अगर 2 घटाएंगे, 7 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5, 5 क्या 7 से डिविजुअल है, बिल्कुल नहीं डिविजुअल है, तो आंसर हमारा ये नहीं होगा। तो आंसर बेटा कौन सा रहेगा, आंसर बेटा डी पार्ट आपका आंसर रहेगा। तो इस तरह से हमें डिविजिबिलिटी रूल के द्वारा हमें चेक करना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, ये है सर्ड इंडिसेस का 16 की पावर क्या है 0.36 इंटू 256 की पावर 0.07, ये किसके बराबर है, ये बेटा किसके बराबर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे एक तो हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो 16 है और ये 256 की पावर 0.07 है, तो यहाँ पे देखो बेस क्या है, अलग अलग है, हमें सबसे पहले क्या करना होगा बेटा, बेस सेम करना होगा, क्या करना होगा, बेस सेम करना है। तो यहाँ पे 16 है, हमेशा क्या छोटे बेस की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे क्या है 16 है, 16 की पावर कितना बेटा 0.36 और इनटू कितना होगा, यहाँ पे 16 की पावर कितना हो जाएगा, 16 की पावर कितना हो जाएगा 16 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 16 की पावर 2 हो जाएगा
और इसकी पावर कितना आ जाएगा, 0.07। अब ये क्या हो जाएगा, 16 की पावर कितना, 0.36 इंटू, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 की पावर 7 × 14 कितना हो जाएगा बेटा, 0.14, 0.14। अब क्या है, जब बेस हमारा सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी 16 का पावर 0.36 है, यहाँ पे भी 16 का पावर 0.14 है, तो यहाँ पे जब हमारा क्या है बेटा, बेस जब हमारा सेम है, क्या है, जब हमारा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएगा बेटा, पावर जुड़ जाती हैं। तो बेस हमारा यहाँ पे अगर 16 है तो 16 की पावर, पावर क्या हो जाएगा, 0.36 प्लस 0.14 कितना आ जाएगा बेटा, 0.50, 0.50, 0.50 को क्या लिख सकते हैं, 1/2, क्या लिख सकते हैं, 1/2, 1/2। तो 16 की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, अंडर रूट। अब 16 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो बेटा आंसर क्या आना चाहिए, 4। आंसर, आंसर कौन सा रहेगा, 4। तो आंसर कौन सा पार्ट है, 4 किस में है, ए वाले पार्ट में है, तो आंसर भी हमारा कौन सा पार्ट रहेगा, ए पार्ट रहेगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में क्या कर रहा है, जो क्या है, एक ट्रेन ये जा रही है हमारी, एक यहां से और ये इस डायरेक्शन में अगर गाड़ी जा रही है, और इसी के पैरेलल में क्या है? ये एक मैन जा रहा है, ये क्या जा रहा है, मैन जा रहा है, और ये क्या जा रही है, ट्रेन जा रही है, ये आपकी ट्रेन जा रही है, जब एक ही डायरेक्शन में, जब क्या है, एक ही डायरेक्शन में ये हमारी क्या है, ट्रेन, ये ट्रेन। तो जब एक ही डायरेक्शन में अगर जा रही हो तो क्या होगा, तो इनकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। जब जब क्या है, ट्रेन और वो जो मैन है वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे होते, जब क्या है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते तो इनकी स्पीड क्या जुड़ जाती है। तो यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है बेटा, वी बराबर डी, मतलब डिस्टेंस मतलब दूरी बटे क्या हो जाएगा, टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस कितनी कितनी डिस्टेंस दी हुई है, 180 मीटर, कितनी दी हुई है बेटा, 180 मीटर। तो हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है, तो यहाँ पे टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डी अपॉन क्या हो जाएगा, वी। तो यहाँ टाइम हमें निकालना है, तो डी हमें कितना दिया है, 180 दिया हुआ है, 180 मीटर दिया है, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10, तो यहां से आपको कितना आंसर आ जाएगा, 18, कितना आ जाएगा बेटा, 18 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा, 18 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा वाला ऑप्शन रहेगा हमारा, हमारा ऑप्शन रहेगा कौन सा, थर्ड ऑप्शन रहेगा, कौन सा ऑप्शन रहेगा, थर्ड ऑप्शन रहेगा, कितना है? आंसर आएगा 18 सेकेंड, 18 सेकेंड के अंदर वो मतलब जो ट्रेन है वो उस आदमी को क्या कर लेगा, पूरी तरह से पार कर लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है, क्या कह रहा है, एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटों में, और दूसरे नल के, एक पहला नल है वो कितने घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है, दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है, उन्हें 2.5 घंटों तक खुला, कितने घंटे तक, 2.5 घंटे तक, कितने घंटे, 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है, टंकी का भरा हुआ भाग कितना होगा। तो बेटा सबसे पहले हमें इनकी इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता निकालनी है, क्या है कार्य क्षमता, क्या है कार्य क्षमता, हम कैसे निकालते हैं, जो एक पहली जो टंकी वो नल है वो कितने घंटे में भर ले रहा, 12 घंटे में भर ले रहा, दूसरा जो नल है वो कितने घंटे में भर ले रहा, 8 घंटे में भर ले रहा। अब इनकी हमें क्या निकालना है, इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता, कार्य क्षमता कितनी होगी, यहां से कार्य क्षमता
यहां से हम क्या निकाल लेंगे, 24, और टोटल काम हमारा कितना है, 24 काम। मान के चलते हैं यहां पर टंकी का, टंकी में भरने में 24 काम, 24 यूनिट पानी चाहिए। 24 यूनिट पानी को अब यहां से 12 दूनी 24, 2 यूनिट 1 घंटे में 2 यूनिट भरता, ये कितने यूनिट भरता, 3 यूनिट भरता है। तो अब ये दोनों की क्या है, दोनों की हमें क्या मिल गई, इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। अब ये कह रहा कि ये 2.5 घंटा, 2.5 घंटे तक, कितने घंटे तक, 2.5 घंटे तक। तो यहाँ पे 2.5 घंटे में कितना भलेगा, ये 3 2 5, 5, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4, 4 और 1 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/2 घंटे में, 1 घंटे में कितना, 5 यूनिट भरता है। तो 5/2 घंटे में कितना यूनिट भर लेगा, 5/2, तो ये कितना, 5 25, 25/2, कितना, 25/2 यूनिट भर लेगा। और टोटल हमारा कितना है, 24, तो कितना भर लेगा, कितना पार्ट भर लेगा, 25/2, 25/2, और टोटल जित भरेगा वो कितना होगा, 24 होगा। तो यहां से 25 बराबर कितना आ जाएगा, 25/48, कितना आ जाएगा, 25/48, कितना बेटा आ जाएगा, 25/48। तो आंसर भी कितना पार्ट भर लेगा, 25/48। तो आंसर कौन सा रहेगा, फर्स्ट आंसर कौन सा बेटा रहेगा, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर में आपका कितना है, 25/48 भाग वो भर लेगा, कितने घंटे में, 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में वो कितना पार्ट भर लेगा, 25/48। अगर वो अब ये कह देता, क्या कह देता कि खाली कितना रह जाएगा, खाली कितना रह गया होगा, तो यहां से क्या करेंगे, 1 माइनस क्या कर देंगे, 25/48 घटा देंगे, 25/48 घटाएंगे, तो आंसर हमारा कितना आएगा, आंसर बेटा आएगा 23/, कितना आ जाएगा, 23/48, कितना, 23/48, 48 में से अगर 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। तब क्या हमारा आंसर क्या आता, 23/48 आंसर आता। लेकिन उसने पूछा है कितना पार्ट भर लिया गया, कितना भाग भर लिया गया, तो भर लिया गया 25/48, खाली कितना बचा है, 23/48 बचा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेच देता है। कोई बंदा ए है, ए क्या करता है, 20% के लाभ पर बी को बेच देता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, होते कितनी होती है बेटा, 5 की चीज वो कितने में बेच देता है, 6 में बेच देता है, कितने में बेच देता है, 6 में बेच देता है, मतलब 6/5। अब कह रहा है बी उसे 25% के लाभ पर बेच देता, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, 1/4, मतलब 4 की चीज वो कितने में बेच देगा, एक कितना होता है बेटा, 1/4, तो 4 की चीज वो कितने में बेच दे रहा, 5 में, 4 की चीज वो 5 में बेच देता है, तो 5/ कितने में, 4 में बेच देता है। बी उसे 25% लाभ पर सी को बेच देता है, यदि सी अपनी ओर से कितना, अब सी कितना दे रहा है, 2 2 5 दे रहा है, 2 2 5 दे रहा है। तो यहां से बेटा ये 5 से 5 कट गया, और ये क्या हो जाएगा, 2 बार जाएगा, और ये 3 बार जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 7 21 और 3 5 15। तो ए अपनी तरफ से कितना रुपए, ए का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या पूछा है, तो ए की लागत मूल्य क्या होगी, ए की लागत मूल्य यहाँ पे 2 है इस साइड में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 150 रुपीज, कितना बेटा रहेगा, 150 रुपीज, आंसर तो हमारा क्या रहेगा, 150 रुपीज। तो कौन सा वाला आंसर है बेटा, फोर्थ पार्ट हमारा आंसर रहेगा, कौन सा आंसर रहेगा बेटा, चौथा आंसर रहेगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, यहां पे ये किसका है, नंबर सिस्टम का हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + ... 10 का क्यूब,
बराबर आपको कितना दे रखा है, बराबर दे रखा है 3025 को, तो 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, 6 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट कितना, 20 की पावर 3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 20 की पावर 3। बेटा यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि क्या इस फॉर्म में किसी तरह से बन रहा है या नहीं बन रहा है। इस चीज को अगर हम यहाँ पे अगर देखते हैं, 2 की पावर क्या है, 3rd प्लस 4 की पावर 3rd प्लस 6 की पावर 3rd प्लस क्या डॉट डॉट 20 की पावर 3rd। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या करें, 2 की पावर अगर 3 क्या कर ले, 2 की पावर 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहां से हमें क्या बचेगा, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 10 की पावर 3 बचेगा। कितना बचेगा, 10 की पावर 3। अब यहाँ पे ये क्या हमारा बन गया, ये 2 की पावर 3 क्या बन गया, 8 बच गया। और इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी दी हुई है, 3025। कितनी बेटा दी है, 3025। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 8 का मल्टीप्लाई 3 है 1025। अगर 3025 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 24,200। कितना आ जाएगा, 24,200। तो यही हमारा क्या आएगा आंसर, आंसर कौन सा रहेगा, डी पार्ट आंसर रहेगा। कितना बेटा आंसर रहेगा, हमारा डी पार्ट आंसर रहेगा। तो ये रहा आपका आंसर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है 504, 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात दिया है, किसका रेशियो दिया है, लड़कों और लड़कियों का रेशियो दिया हुआ है, लड़कों और लड़कियों का रेशियो आपको दिया है 13:11, 13:11। ये बेटा कितना है, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, 13:11 की वैल्यू कितनी है, 504 कितने हैं। यहां से देखो यहाँ पे भी आपका क्या है, टोटल दिया है 13:11 दिया है, यहाँ पे भी आपका टोटल कितना दिया है, 504 दिया है। 13:11 टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 24 यूनिट हो जाएगा। और इस टोटल को हम किसके इक्वल रख देंगे, 504 के इक्वल रख देंगे, किसके बराबर रख देंगे, 504 के बराबर। तो ये हमने रख दिया 504 के बराबर। इस तरह से हम बांट लेंगे तो 24 से अगर काटेंगे, 24 दूनी 48, 24 एकन 24, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 21। एक यूनिट की वैल्यू जब हमें 21 मिल गई तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 13 यूनिट की वैल्यू, यहाँ पे हम क्या 13 यूनिट की वैल्यू और 11 यूनिट की वैल्यू अलग अलग निकालेंगे। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 एकन 13 और 13 दूनी 26 एक 27, 13 दूनी 26 एक 27। और यहाँ पे 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 एकन 11 और 11 दूनी 22, 22 और 1 23। कितना आ गया, 22 और 23। अब यहाँ पे बोला है यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाएं, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 12 को और जोड़ देंगे, 12 को जोड़ देंगे, तो अब हमारा रेशियो क्या होगा, अब यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27 मतलब 273 अनुपात क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका 3 रहा और ये 4 रहा और ये कितना आ जाएगा, 2 रहा। अब यहाँ पे किससे कटेगा, 3 से अगर काटेंगे तो 3 27 और 3 31 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 91 कितना आ जाएगा, 91 और 3 8 24 और ये 3 31 3, 3 8 24 और 3 31 3। तो हमारा बेटा ये रेशियो क्या बन के आ गया है, 91:81, 91:81। तो कौन सा पार्ट आपका सही होगा बेटा, फर्स्ट वाला आपका आंसर सही होगा। क्या आंसर रहेगा, 91:81। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, किसी वस्तु का
अंकित मूल 200 रुपये है। कितना है बेटा? 200 रुपये अंकित मूल है। अंकित मूल पे 12.2% का बट्टा बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या निकालना है बेटा? सीपी निकालना है। सीपी मतलब क्रय मूल्य निकालना है। अगर यहाँ पे कह रहा कितना अंकित मूल्य कितना है, 200 अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कितना है, एमपी कितना है, एमपी आपका है 200 है। कितना बेटा? 200 है। अब 200 यहाँ पे हमें 12.1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। कितनी होती है? 1/8 होती है। 12.1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। मतलब 8 की चीज, मतलब 8 क्या है, मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस पे कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 1 का डिस्काउंट दे रहा है। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, 7/8 कर देंगे। कितने में? 7/8 में। 12 कितना? 7/8 में। अब वो बेच रहा होगा कितने में? 7/8 में बेच रहा। 8 से अगर काटेंगे, 8 2 16, 8 5 40, 8 2 16, 8 5 40। अब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा। यहाँ पे एसपी मिल जाएगा। एसपी हमारा कितना आ जाएगा, 25 25 70, कितना आ जाएगा, 175। ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब यहाँ पे ये कितना मिल गया हमें, सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 175। अब 175 पे वो 25% का लाभ प्राप्त करता है। कितने का लाभ प्राप्त करता है? 25% का लाभ प्राप्त करता है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, लाभ प्राप्त करता है मतलब कोई वैल्यू हमारी क्या होगी, सीपी होगी, मतलब क्रय मूल होगा। क्रय मूल पे वो कितने का लाभ प्राप्त करता है, 25%। मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। कितनी होती है? 1/4 होती है। 4 की चीज वो कितने में बेच रहा होगा, 4 की चीज वो 5/4 में बेच रहा होगा। और यही क्या हमारा है, सेलिंग प्राइस कितना है, 175 है। 5 से अगर काटेंगे तो 5 15, कितना 5 15, और ये 5 25, और 35 2 70। तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा, 140 रुपये। सीपी कितना आ जाएगा, 140 रुपये। मतलब यही हमारा क्या आएगा, क्रय मूल। क्रय मूल हमारा कितना होगा, 140। एमपी यहाँ पे एमपी हमें कितना दिया है, 200 दिया है, 200 दिया है। अब सेलिंग प्राइस यहां से हमने निकाल लिया 175, 175। अब वो कह रहा है सीपी पे, सीपी पे कितना मिल रहा है, सीपी पे 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/4 होता है। 4 की चीज कितने में बेच रहा होगा, 5 में बेच रहा होगा। तो यहां से हमें सीपी मिल गया। और हमें यही पूछा गया था, क्या पूछा गया था, क्रय मूल पूछा गया था। क्रय मूल बेटा कौन सा आंसर रहेगा, फोर्थ पार्ट हमारा आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पे। क्या कह रहा है बेटा, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में वह है 20% हानि पे बेच देता है। 20% हानि पे वो बेचना कितने पे चाह रहा है, 20% के लाभ पे बेचना चाह रहा है, लेकिन वो क्या करता है, वाई मिस्टेक या जैसे भी, वो क्या करता है, 20% की हानि पे बेच देता है। 20% की हानि मतलब 80 में बेच देता है। वो 100% की जगह पे 100% या 120 के बेचना चाह रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, 20% कम में बेच दे रहा। मतलब 100 से भी क्या, सीपी से भी, मतलब क्रय मूल से भी कितना, 20% कम पे बेच दे रहा। कितने पे? 100 100 से, मतलब सीपी क्रय मूल से भी क्या करता है, 20% कम में बेच देता। मतलब वो बेच दे रहा है 80 में बेच दे रहा। 80 की वैल्यू हमें, 80 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 480 रुपये दे रखी है। कितनी दे रखी है, 480 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 6 48। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 आ जाएगी। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। अब वो, लेकिन उसे बेचना क्या है, बेचना बेटा उसे 20% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है। कितने पे? 20% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है। तो 600 का कितना हो जाएगा, 120/100। कितना आ जाएगा, 120/100। ये 20 से 20, तो 12 6 72 आंसर बेटा कितना आ जाएगा, 720 रुपये में। अगर वो बेचेगा, कितने में बेचेगा, 720 रुपये में बेचेगा।
तो उसे क्या होगा, 20% का लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। तो आंसर भी हमारा कौन सा बेटा आएगा, आंसर रहेगा हमारा पहला पार्ट 720 रुपये। कौन सा रहेगा, 720 रुपये, ये रहा आपका आंसर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में थोड़ा मतलब ओवरलैपिंग हो गया। कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई में 12% की 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो बेटा यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आई होप सभी को पता होगा, अगर जिसको नहीं पता है तो उसको मैं बताता हूं। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। लंबाई मतलब कितना बढ़ रहा है, 12%। 12% मतलब 100 से कितना बढ़ रहा है, 100 से बेटा बढ़ रहा है, 112 हो जा रहा है, 100 से 112 हो जा रहा है। अब चौड़ाई कितना, चौड़ाई आपका बढ़ रहा है 100 से, 10% बढ़ रहा है, तो 100 से कितना हो जा रहा है, 110 हो जा रहा है, 110 हो जा रहा है। तो यहां से 1 0 से 1 0 कट गया। अब इधर वाला इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर वाला इधर मल्टीप्लाई, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1000 आ गया। कितना आ गया, 1000 आ गया। अब हम काटना चाहें तो 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन 2 से हम काटेंगे तो थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। हम कैसे मतलब चालाकी से निकालना चाहेंगे तो वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो गया। 11 एकन 11, 11 और 2 13, 13। अब 11 और 11 1 12, कितना, 11 और 12। तो 1000 से बेटा कितना बढ़ रहा है, 1000 से हो जा रहा है 12, 1200 कितना हो जा रहा है, 1232 हो जा रहा है। तो यहां से अगर हम एक चीज यहां पे देख, हम यहाँ पे आंसर किस किस रूप में निकालें, 100 के रूप में निकालेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। 100 से 100 के रूप में अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इधर भी 10 से डिवाइड कर देंगे और इधर भी 10 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर इधर भी 10 से, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 123.2 आ गया। कितना आ गया बेटा, 123.2 आ गया। तो यहाँ पे 100 पे कितना बढ़ रहा है, 100 पे बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे बहुत इजिली हम बता सकते हैं कितना बढ़ रहा है, 23.2%। कितना बढ़ रहा है, 23.2%। तो 23.2% हमारा किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में। कौन सा, सी वाला ऑप्शन। कितना आंसर आएगा, 23.2%। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, किसका, मिश्रण का हमारा ये क्वेश्चन है। कह रहा 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी, क्या है, 3 बीकर है, 3 बीकर है, उनमें क्या है, अम्ल और पानी का अनुपात दिया है। किसका दिया है, अम्ल और पानी का अनुपात दिया है। अम्ल और पानी का अनुपात क्या क्या दिया है, 2:1 दिया है, 3:2 दिया है और 5:3 दिया है। समान मात्रा के तीनों प्रयोगों से एक मिश्रण बनाया जाता है। समान मात्रा से प्रयोगों से मिश्रण बनाया जाता है। मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात बताओ, पानी और अम्ल का अनुपात बताना है। वो एक चीज उसने क्या बोला है, बोला है कि समान मात्रा, वैल्यू कम ज्यादा नहीं है। मतलब वहां पे क्या है, जो बीकर है, बीकर में जहां जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें क्या है, बराबर बराबर भरे हुए हैं, लेकिन उनका क्या है, रेशियो कम ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा, रेशियो कम ज्यादा हो रहा। तो यहां पे देखो, यहां पे ये आपका अम्ल है, अम्ल, अम्ल मतलब इसे क्या हम एसिड लिख सकते हैं। यहां पे ये एसिड होगा, एसिड, और ये क्या है, वाटर है, ये आपका वाटर है। इनका रेशियो दे दिया है, क्या दे दिया है, 2:1,
टू रेशियो वन, यहाँ पे ये टू रेशियो वन, फिर कितना है तीन अनुपात दो है, और ये क्या है पांच अनुपात तीन है, ये क्या है पांच अनुपात तीन है। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों को क्या करेंगे बराबर कर लेंगे। तो यहां पे देखो वैल्यू कितनी है, दो एक तीन, यहां पे कितनी है वैल्यू तीन है, यहां पे कितनी है पांच है, और यहां पे कितनी है बेटा आठ है, कितनी है बेटा आठ है, बोलोगे कितना क्या कितनी है वैल्यू, यहां पे आठ है। तो यहां पे हम कह सकते हैं, यहां पे देखो अगर हम दो और एक, दो रेशियो और एक रेशियो को जोड़ेंगे तो कितनी हो जा रही, टोटल कर देंगे तीन हो जा रही, तीन और दो को जोड़ेंगे तो पांच हो जा रही है, पांच और तीन को जोड़ेंगे तो आठ हो जाएगी, क्यों ना हम सबको बराबर बराबर कर लें। तो यहां पे हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पांच और आठ नहीं है तो आठ पांच चालीस से मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे पांच पांच है लेकिन तीन और आठ नहीं है तो यहां पे हम क्या करेंगे चौबीस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां पे आठ है लेकिन पंद्रह नहीं है तो यहां पे किससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे बेटा कर लेंगे पंद्रह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां पे पंद्रह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां पे पंद्रह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो पंद्रह अट्ठे एक सौ बीस है, अब देखो यहां पे अब कह सकते हो ना सारे बीकरों में क्या होगा पानी और अम्ल टोटल अगर देखेंगे तो चार तीन बारह 120 हो गया, 24 पंचे 120 हो गया, 15 अट्ठे 120, मतलब यहाँ पे भी 120 लीटर हो गया, यहाँ पे भी 120 लीटर हो गया, यहाँ पे भी 120 लीटर हो गया। अब यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि हाँ बराबर बराबर जो मात्रा है वो बराबर बराबर हो गई। अगर यहाँ पे हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमें 40 से मल्टीप्लाई करना है, इधर अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी हम 15 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो 40 दूनी कितना होता बेटा 80 होता है, 40 दूनी 80 होता है, और ये कितना 40। अब ये 24 यहाँ कितना होता है 72 होता है, 24 यहाँ 72 होता है, और 24 दूनी 48 होता है, 24 दूनी 48 होता है। अब यहाँ पे 15 पना 75 होता है, 15 पना 75 होते हैं, और 15 तीयो 45 होते हैं। अब हम इनको हम जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये बेटा हो गया 7 हो गया, और ये कितना 7 दूनी 14, 7 तीयो 21, और ये 22 कितना हो गया 227 हो गया, और यहाँ पे 8 5 13 कितना हो गया 8 5 13, 13 4 12 1 13। तो ये रहा हमारा आंसर क्या है 227 अनुपात 133 किस पार्ट में है, ये रहा आपका कौन सा पार्ट है बी में, कितना है 227 और ये नीचे आ गया 133। तो किस पार्ट में है ये बी पार्ट में हमारा आंसर आएगा कितना 227 अनुपात 133 हमारा रेशियो आएगा, यही हमारा आंसर रहेगा बेटा। तो ये रहा आज, अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर ले रहे हैं, ए और बी 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में, सी और ए 6 दिन में कर ले रहे हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबकी इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता निकाल लेंगे, कार्य क्षमता हमारी क्या आ जाएगी, कार्य क्षमता यहां से हमारी आ गई ए प्लस बी कितने दिन में 12 दिन में कर ले रहा, बी प्लस सी कितने दिन में कर ले रहा है 8 दिन में कर ले रहा, सी प्लस ए कितने दिन में कर ले रहा 6 दिन में कर ले रहा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 8 3 24 कितना एलसीएम कितना आ जाएगा 24 एलसीएम आ जाएगा। 24 जो एलसीएम होता है, एलसीएम ही हमारा क्या होता है काम होता है, क्या होता है एलसीएम। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता निकालेंगे, कार्य क्षमता क्या करेंगे
एलसीएम, जो एलसीएम मतलब काम बटे क्या हो जाएगा, दिन, काम काम बटे समय, 12 दूनी 24, मतलब ए और बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट, बी और सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट, और 6 चौकू 24 की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट, कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट। अब हम ए बी सी की कार्य क्षमता तीनों की सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, तीनों की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। तीनों की कार्य क्षमता इधर वाला सारा क्या करेंगे, यहाँ पे हम जोड़ देंगे और यहाँ पे इन इनको एक साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या है, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a a प्लस बी प्लस सी, तीनों को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना, 4 4 3 7 और 7 2 9 9। तो यहां से बेटा a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी, a प्लस बी बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 9/2, कितनी आ जाएगी, 9/2। अब हमें निकालना किसकी, अब क्योंकि हमें काम किससे कराना है, b से काम कराना है, सिर्फ b से काम कराना है, तो ऐसा हम ऐसी जगह पे हम वैल्यू रखेंगे जहां से हमें सिर्फ b की वैल्यू निकले। तो हम किसकी वैल्यू, हमें किसकी कार्य क्षमता पता होनी चाहिए, a और c की कार्य क्षमता, किसकी, a और c की कार्य क्षमता हमें पता है कितनी है, 4 यूनिट पता है, कितनी है, 4 यूनिट। तो a और c की कार्य क्षमता हम रख देंगे यहाँ पे, कितनी a और c की कार्य क्षमता कितनी, 4 यूनिट, और हमें निकालनी किसकी है, b की निकालनी है, b की निकालनी, तो बराबर कितना आ जाएगा, 9/2, कितना आ जाएगा, 9/2। तो b की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, अगर उधर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, कितनी आ जाएगी, 1/2। यहाँ से हमें किसकी कार्य क्षमता मिल गई, 1/2 बी की कार्य क्षमता मिल गई। तो 24 काम, कितना काम है हमारे पास, काम है 24 है, तो हमें टाइम पूछा गया है, तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, कार्य बटे, कार्य कितना हमारा 24 है, कितना बेटा 24 है, और इसकी किसकी बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1/2 है, कितनी है, 1/2 है। तो टाइम कितना लगेगा, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 48 दिन, कितना आ जाएगा, 48 दिन। तो यहाँ पे बी अकेले कितने दिनों में काम कर लेगा, कितने दिनों में कर लेगा, 48 दिनों में काम कर लेगा, कितने दिन में, 48 दिन में वो काम कर लेगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में दुगनी हो जा रही है, 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम लिख लेंगे, टाइम मतलब ईयर लिख लिया यहाँ पे, इधर हमने ईयर लिख लिया, और यहाँ पे कितने गुना, यहाँ पे गुना लिख लिया, गुना मतलब टाइम, कितने टाइम हो जा रहा, 2 टाइम हो जा रहा है यहाँ पे, इधर ऐसा करते हैं, इसको भी हम वर्षों में लिख लेते हैं, ये वर्षों और यहाँ पे गुना, तो यहाँ पे कितना कितने वर्षों में, 15 वर्षों में हो जाता है, 15 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 टाइम या 2 गुना हो जाता है। अब बोला है ये कितने मतलब यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, सब यहाँ पे हमें किस चीज पे फोकस करना है, ये जो 8 गुनी है, 8 गुनी ये किसकी पावर, 2 की पावर कितनी बन रही है, 8 गुना 2 की पावर कितनी बन रही है, तो यहाँ पे हम आप कहेंगे कितनी बन रही है, तो बोलेंगे कि सर यहाँ पे 2 की पावर कितनी बन रही है, 3 बन रही है। यहाँ पे इसी चीज को हमें देखना है, 2 की पावर 3 बन रही है, तो 3 का हम इन जो ये वर्ष हैं, ये वर्ष कितने हैं, 15, मतलब यहाँ पे 2 गुनी कितने में हो रहा है, 15 में हो रहा है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3, 3 से हम क्या करेंगे, इस वाले 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस वाले 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेटा कितने वर्षों में, 15 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 45 वर्ष, कितने वर्ष में, 45 वर्ष में वो कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना, 45 वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा। तो आंसर बेटा क्या रहेगा, थर्ड वाला हमारा आंसर आएगा, 45 आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, करो क्या है, इजी क्वेश्चन है, करेंगे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ पे
करो जल्दी बताओ क्या होगा, बोलो बोलो। कह रहा है ए 25 घंटे में 75 प्रश्न, ए कितने घंटे में, 25 घंटे में, 25 घंटे में 75 प्रश्न लिख सकता है, बताओ बताओ, बोलो आंसर दो, कितने घंटे में, 75 घंटे में। ए और बी, ए बी दोनों मिलके 27 घंटे में 135 प्रश्न, तो बी अकेला, बी 42 प्रश्न कितने समय में कर लेगा, बताओ कितने समय में कर लेगा। देखो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक ए मतलब जो 75 प्रश्न कितने घंटे में कर ले रहा, 25 घंटे में कर ले रहा, तो वो एक घंटे में कितना करेगा, एक घंटे में कितना करेगा, 75/25 कर लेगा ना, 75/25, तो एक घंटे में वो कितने प्रश्न लिख लेगा, एक घंटे में 1 आवर में कितने प्रश्न लिख लेगा, तीन प्रश्न लिख लेगा। अब यहां पे ए और बी, ए बी 27 घंटे में कितना, 135 प्रश्न लिख ले रहा, 27 घंटे में 135 प्रश्न लिख ले रहा, तो ए और बी, ये कौन, अकेला ए लिख रहा है, और यहां पे ए प्लस बी कितने, 135 बटे कितना आ जाएगा, 27, तो यहां पे ये कितना 15 और ये कितना 3, और 3 से काटेंगे तो 5, तो ये एक घंटे में ए और बी दोनों मिलके कितने प्रश्न लिख लेगा, 5 प्रश्न, और ये ए कितना 3 प्रश्न, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, बी कितना प्रश्न लिख रहा होगा, बी अकेला 5 माइनस 3 कितना होता है, 5 माइनस 2 होता है, एक घंटे में ये 2 प्रश्न लिख ले रहा है, कौन, बी 2 प्रश्न लिख रहा है, कितना 2 प्रश्न लिख रहा है, 2 प्रश्न लिख रहा है, तो अब बी का काम कितना है, बी 42 प्रश्न कितने टाइम में लिख लेगा, तो 42/2 क्या हो जाएगा, 42/2 हो जाएगा, 42/2 कितना आता है, 42/2 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 21 प्रश्न, कितना 21 प्रश्न, वो कितना प्रश्न लिख लेगा, 21 प्रश्न लिख लेगा, सॉरी 21 घंटे में वो लिख लेगा, कितने घंटे में लिख लेगा, 21 घंटे में, तो ये कौन सा आंसर रहेगा, सी वाला हमारा आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है, क्या कह रहा है, पढ़ते हैं, पढ़ो, दो रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात क्या होगा, यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटा पहली है, पहली की स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरी की स्पीड कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो सबसे पहले क्या है, जो यूनिट है एक सेम यूनिट में होना चाहिए, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे अगर किलोमीटर घंटा है तो या फिर इसको मीटर पर सेकंड में किलोमीटर घंटे में बनाइए, या इसको भी हम क्या कर लें मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ से बेटा क्या है 45 किलोमीटर मीटर पर आवर है, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है 18, जब क्या है यहाँ पे छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में हमें जब कन्वर्ट करना होता है, तो बड़े वाले 18/5 से हमें गुणा करना होता है, 18/5 से, मतलब बड़ा वाला नंबर ऊपर होना चाहिए, अगर यहीं पे हम अगर मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ बड़ी यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या करें 18/5 से अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ से 5 से 2 बार, अब ये क्या है, ये किस में आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, तो ये 5 × 10 18 × 36, तो यहाँ पे ये आपका कितना आ गया 45/36, ये 36, और ये कितना 9 × 45 और 9 × 4 = 36,
तो ये हमारा रेशियो क्या बन गया, 5:4। कितना रेशियो बन गया, 5:4 का रेशियो बन गया। तो यही बेटा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और इससे ज्यादा हमें इसमें कुछ करना भी नहीं था। तो आंसर कौन सा रहेगा, हमारा सी पार्ट आंसर रहेगा। कितना रहेगा, 5:4 का अनुपात रहेगा। देखते हैं, बस यही था आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये थे आज के एसएससी जीडी के कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन थे, इसमें क्या एक दो क्वेश्चन कम रह गए। तो आज के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर जो भी इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक मारना तो बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।